बहुत ही कड़क तरीके से सबमिशन चेक कर रहा है और पीछे में बैग लेके मैं घर पे जा रहा हूँ। दोस्तों तो आज 9 जून है और हम 11 बजे हैं और हम कॉलेज में फिर से आ गए हैं सबमिशन करने के लिए। कल एक का हुआ था और फिर बाकी था 3 का, तो अभी फिर से आए हैं। तो अभी यहाँ पर बैठ के सबमिशन का काम चल रहा है, जो भी बाकी था अंदर लिखने का वो सब लिख रहे हैं। सब कुछ बाकी था तो वो सब अभी निपटा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये ऊपर जो विमान है वो डायरेक्ट चला गया है कि भरा गया है पता नहीं, डायरेक्ट जो गैप है उसमें चला गया है। सबमिशन चल रहा है, ये सर चेक कर रहे हैं, बहुत ही कड़क तरीके से सबमिशन चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन फॉर्म में ये नहीं लिखा था तो फिर से लिखने के लिए कहा, सभी का बाकी था, एक ने नहीं लिखा था तो सभी ने कॉपी किया था, PDF आई थी ग्रुप में तो इसमें से सभी ने कॉपी कर लिया, तो इसमें भी नहीं लिखा था तो इसीलिए फिर से लिखने के लिए कहा है और सब लोग लिख के दे रहे हैं फिर बाद में। तो अभी सबमिशन हो गया है और एक का बाकी है, ये लेके जा रहा हूँ अभी मैं। ये जो सर थे वो बहुत ही कड़क चेक कर रहे थे, फिर से कुछ लिखना पड़ा और फिर से देना पड़ा। तो अभी 3:30 बजे है और मैं पीजी में जा रहा हूँ और पीजी में बैग लेके मैं घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सबमिशन है वो सब पर ख़त्म हो गया। तो अभी डायरेक्ट 16 तारीख को हमारी जो हॉस्टल है वो ओपन होने वाली है, तो इसीलिए रूम लेने के लिए आना है तो तब आऊँगा। और साथ ही में 23 तारीख को हमारे जो GPSC फाइनल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाली है, 4th सेम की फाइनल एग्ज़ाम। तो अभी 4:45 है और मेरी जो बस है वो 4 बजे है, मैं जो रोज़ की बस में जाता हूँ वही में जाना है। बुक तो नहीं करी है, रिजर्वेशन तो नहीं करा है, पर फिर भी वही पकड़ के जाता हूँ। अभी मैं बस में बैठ गया हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ और ये जो बस मिली है वो भी बहुत ही कमाल की है, साथ ही मैं पीछे भी बैठा हूँ तो इसीलिए सब कुछ हिल रहा है। आगे वाले लोग हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि ये बस है, इसके सस्पेंशन मेरे ख्याल से पुराने हो जाने के कारण ख़राब हो गए हैं, तो अच्छी तरह से सस्पेंशन वर्क नहीं कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप मोबाइल भी कितना हिल रहा है, बस से कुछ नहीं खाया है तो इसीलिए ये सब खाना पड़ता है। और बस भी कमाल की है, फिर से देखिए आप कितना सेकी सा है। तो अभी 9:30 है और मैं ऊपर आया था पानी डालने के लिए, खाना बना खा लिया है, सुबह से नहीं खाया था और रात को डायरेक्ट खाया, मजा आ गया खा के। 2000 years later तो हेलो दोस्तों, आज 21 जून है और जो मेरा लास्ट ब्लॉग था वो 9 जून का था। अभी 12 बजे है तो मैं हमारे हॉस्टल में आ गया था, जो हमारी हॉस्टल पहले बंद थी वहाँ पर मैं आ गया था। तो इस ब्लॉग के पहले का जो ब्लॉग है इसमें मैंने बताया था कि 23 तारीख को हमारी जो GTU की फाइनल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ 21 जून को। पर साथ ही में आपको पता ही होगा कि जो हमारी हॉस्टल है वो तो 16 तारीख को स्टार्ट हो गई थी। साथ ही में जो व्लॉग है सभी वो थोड़े से लेट आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम चल रही होगी, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और मेरे ख्याल से व्लॉग है वो भी पूरे एक दिन का व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा शूट करने का टाइम भी नहीं होगा, तो इसीलिए 2 या 3 दिन का कंबाइंड व्लॉग मैं डाल के एडिट करके रख दूँगा, या फिर 4-5 दिन का भी हो सकता है कंबाइंड व्लॉग, कि अब देखते हैं कि किस तरीके से शूट होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हेलो दोस्तों, तो आज 22 जून है और कल आपको थोड़ा कुछ शूट किया था सुबह, फिर बाद में नहीं किया था, बाहर तो गए थे हम और हम चाय पीने के लिए भी गए थे, तो मैंने कहा कि आज दिखाऊंगा, तो आज मैं दिखाऊंगा बहुत दिनों के बाद हमारा चाय का अड्डा आप देखेंगे और साथ ही में हॉस्टल में जो काम चल रहा है नई बिल्डिंग का वो भी दिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर देखना कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है, तो आप पीछे देख सकते हैं नई हॉस्टल का काम कहाँ तक आया है, अच्छा खासा काम ख़त्म हो गया है और तो पूरा अंडरग्राउंड है वो तो कर दिया है सपोर्ट दे के नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट दिया है। तो देखिए यहाँ से आप, ये पूरे बीम पहले तो बने थे, ये वॉल पूरी, पर अंदर देखिए आप ये जो रॉड है वो भी बहुत ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे जो घर या फिर बंगलोज बनाते हैं इसमें सपोर्ट लकड़ की जो बांस की होती है उससे देते हैं, बांस की लकड़ी से, पर इसमें तो पूरा लोहे का रोड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वेट ज़्यादा होता है इसलिए। और आप सामने भी देखिए
वहाँ पर भी अभी काम चल रहा है, वहाँ पर भी सपोर्ट दे रहे हैं और यहाँ पर भी जेसीबी से सब कुछ खुदाई कर रहे हैं ज़्यादा। मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो जाएगा और फिर बाद में यहाँ पर पूरा सपोर्ट देंगे और वो सब करेंगे। तो अभी 7:30 बजे है और मैं बाहर का आया हूँ। मैं जिस जिम में जाता हूँ उस जिम में फॉर्म भरना पड़ता है हर बार, तो इसीलिए फिर से फॉर्म भर लिया है। और इसमें ऐसा होता है कि कोई भी डॉक्टर के सिग्नेचर चाहिए चेकअप करके, तो इसीलिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और वो थोड़ा कुछ पूछ लेंगे और अपनी सिग्नेचर कर लेंगे और स्टैम्प भी लगा देंगे। तो ये गवर्नमेंट जिम में इसीलिए ऐसा प्रोसेस होता है, वरना प्राइवेट जिम में तो ऐसा नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक जा रही है। शाम का वक्त ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपने ऑफिस से घर जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं होता है इतना सारा यहाँ पर फिर भी पब्लिक बहुत जाती है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर। अब देखिए यहाँ पर कैसा नज़ारा है। डॉक्टर के पास सिग्नेचर और स्टैम्प सब कुछ करवा लिया है और अभी फिर से हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया हूँ।